तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी सैमसंग गैलेक्सी की जो बैटरी की लाइफ है उसको एक्सटेंड कर पाएंगे, या कह सकते हैं अगर आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है तो मैं आगे आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, हो सकता है और भी अच्छी आपकी इंप्रूव हो जाए। तो जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं आपको पूरे फॉलो करना है, उसके बाद आपको खुद फर्क लगेगा कि आपके मोबाइल की जो बैटरी लाइफ है थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर जाना है सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर का, आपको वहां जाना है। वहां जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पे सबसे ऊपर। वहां जाने के बाद आपको नीचे जाना है मोर बैटरी सेटिंग वाले ऑप्शन पे। वहां जाने के बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रोटेक्ट बैटरी वाला, आपको इसको ऑन कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है तो आपको इसको ऑन कर देना है। इससे होगा क्या, आपकी मोबाइल की जो बैटरी है अगर आप उसको 100% चार्ज करेंगे तो मोबाइल की बैटरी लाइफ बोले तो उसकी लाइफ खराब होती है। तो आप 85 पे करेंगे तो 85 के ऊपर आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, तो इससे बैटरी की लाइफ आपकी इंप्रूव होगी। तो आपको सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो बताने वाला हूं वो ये है, आपकी जो बैटरी की लाइफ मतलब जल्दी ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको टाइम टाइम पे मतलब जैसे कि आप जब भी आप अपने मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल की सेटिंग पे जाना है, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाना है। और यहां पर जो आपको ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर कभी कभार आपको फिक्स नाउ का ऑप्शन भी मिलेगा तो आपको इसको ऑप्टिमाइज कर देना है। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है नो हाई बैटरी यूजर डिटेक्टेड, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आपको यहां पर बता देगा और वो आपकी वहां पर सोल्यूशन हो जाएगा। कोई एप्स आपकी अगर बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा डेटा खा रही होगी तो आपको यहां पर बता देगा। तो आपको ये सब चीजें यहां पर कर लेना है, ये चीज आपको मैंडेटरी करनी है कि यहां पर आपको इस चीज को ऑन कर रखना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो बताने वाला हूं उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल के बैटरी वाले ऑप्शन पे। बैटरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे जाना है बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट पे। यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है, पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लिप, मतलब कि जो ऐप आप यूज नहीं करते उसको ऑटोमेटिक स्लिप में चले जाए। स्लिप में जाने का क्या मतलब है, आप देखेंगे स्लिपिंग ऐप होता क्या है, स्लिपिंग एप्स विल रन इन बैकग्राउंड ओनली, ओकेशनली अपडेट एंड नोटिफिकेशन में बी डिलीट, मतलब कि ओकेशनली चलती है, ज्यादा हर कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपको इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद आता है डीप स्लिपिंग ऐप, मतलब कि जो एप्स बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डेटा खाती है और जिनको आप डिलीट भी नहीं करना चाहते तो आपको इसको यहाँ पर डीप स्लीप में डाल देना है। इससे क्या होगा, उनके जो बैकग्राउंड में जो चलने की कैपेसिटी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डीप स्लीपिंग ऐप विल नेवर रन इन द बैकग्राउंड एंड मे नॉट रिसीव अपडेट और नोटिफिकेशन, दे विल ओनली वर्क व्हेन यू ओपन, मतलब कि ये ऐप जब काम करेगी जब आप इसको ओपन करेंगे, और अगर आप ऐप बंद कर देंगे तो वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगी, उसकी कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखने वाली। तो ये बहुत ही कमाल की फीचर है। इससे क्या होगा, जो भी आपके फालतू के बैकग्राउंड्स पे डेटा खाते हैं आपको यहाँ डाल देना है। डेटा बोले तो मोबाइल का डेटा भी खाते हैं और बैटरी भी यूजर्स खाते हैं, तो आपको उसको वहाँ डाल देना, उससे आपकी दोनों चीज़ें सेफ हो जाएंगी। और नेवर स्लीपिंग ऐप मतलब कि जिस ऐप को आप नहीं चाहते कि यार ये स्लीप ना हो, ये बैकग्राउंड में भी रन हो, तो आप उसको यहाँ पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या होगा, बोल सकते हैं नेक्स्ट टिप बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या है, वापस आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाना है यार बैटरी एंड डिवाइस केयर पे आना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ जाना है ऑटोमेशन पे ऑप्शन पे। ऑटोमेशन ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा इफेक्टिव पावर सेविंग मोड, यह भी बाय डिफॉल्ट आपका हाईलाइट नहीं हो रहा हो, जैसे कि मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा या ऑन कर दूंगा तो अभी यहाँ से बंद हो गया है। तो अगर आपको यहाँ से इसको ऑन करना है तो आपको पहले इसको ऑफ कर देंगे, इसके बाद इसको ऑन कर दिए, इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के यूजेस के हिसाब से आपके मोबाइल को पावर सेविंग मोड पे डाल देगा, जिससे आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ टर्न ऑफ पावर सेविंग ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन यूजर्स पैटर्न, आपके यूज करने के तरीके के हिसाब से ऑटोमेटिक उसको वो डिजाइन कर देगा। तो ये ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा, ये ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड को ऑन या ऑफ कर सकता है, तो आपको इसको भी ऑन करके रखना है। ये लिमिटेड अगर आपने मान लीजिए अगर पावर सेविंग मोड पर अगर आप चाहते हैं, अगर आपने यहाँ पर लिमिट ऐप को ऑन करके रखा है तो वो फीचर वर्क नहीं करेगा, तो आपको इसको ऑफ करके ही वहाँ पर इसको इनेबल कर लेना है।
ये तो हो गया फोर्थ। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ थिम बताने वाला हूँ वो है डिस्प्ले को लेके। यहाँ पर क्या होता है, जब ये व्हाइट कलर का या बोल सकते हैं जो लाइट थीम होती है, ये बैटरी ज़्यादा खाती है तो सबको पता है, तो आपको हमेशा अपने मोबाइल को यहाँ पर डार्क में कर लेना है। डार्क में करने के साथ साथ आपको एडिक्टिव ब्राइटनेस को भी ऑन कर लेना है, एंड साथ में मोशन स्मूथनेस जो दिख रहा है ये आपको यहाँ पर हाई की जगह स्टैंडर्ड पे कर देना है। इससे भी आपके मोबाइल की बैटरी काफ़ी हद तक बचती है, तो आपको इसको भी ऑन कर लेना है दोस्तों। एंड जो सबसे आखिरी बचा है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल की जो बैटरी की लाइफ है उसको चेक करते रहना है। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल की बैटरी सही से काम नहीं कर रही है तो आपको यहाँ जाना है सैमसंग मेंबर ऐप में। सैमसंग मेंबर ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है नीचे हेल्प वाले ऑप्शन पे। हेल्प में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डायग्नोसिस वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी के स्टेटस को चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं बैटरी स्टेटस मेरा नॉर्मल है, बैटरी पावर यहाँ पर 42%, लाइफ गुड, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखती है तो मतलब कि आपकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। ये जो कुछ टिप्स बताएंगे अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।